सो जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जैसे पहला हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड हो गया सोइंग, थर्ड प्रोसेस है एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर. द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल एंड फॉर हेल्दी ग्रोइंग ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. सो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते क्या है, ये वो सब्सटेंस होते हैं या फिर एक तरह से ये केमिकल्स होते हैं, ये फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, जो कि सॉइल में ऐड करे जाते हैं. दे आर एडेड टू द सॉइल. अब ऐड क्यों की जाती हैं, और ये ऐड की जाती हैं सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए, और दूसरा कि जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी ग्रो करें, मतलब वो अच्छे से ग्रो करें, ठीक है. और उन सब्सटेंस क्या कहते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स. सो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस या फिर वो केमिकल्स होते हैं जो जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए और प्लांट्स को भी हेल्दी बनाने के लिए. सो ये बहुत ज़रूरी होते हैं ऐड करने, ताकि जो प्लांट्स हैं वो अच्छे हो गए. सो मैन्योर, अब मैन्योर जैसे कि आप मैन्योर फर्टिलाइजर्स होते हैं वो, तो मैन्योर क्या होता है. मैन्योर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेंड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट. सो मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है. ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है. ऑर्गेनिक होता है जो कि हमें प्लांट्स एनिमल इन सबसे मिले. ये जो मैन्योर होता है ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मतलब ये हमें प्लांट्स एनिमल इन सबके वेस्ट से मिलता है. सो मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि हमें मिलता है प्लांट्स और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से. मतलब जब हम प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को एक पिट में डाल दें, कुछ लीव्स डाल दें उसमें, प्लांट एनिमल वेस्ट डाल दें, सो हम कुछ वीक्स बाद देखेंगे कि वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, मैन्योर में. सो इसलिए मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है. और जो नेक्स्ट फर्टिलाइजर है वो इनऑर्गेनिक होता है, जो प्लांट और एनिमल वेस्ट से नहीं बनता है. सो मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर एक ऑर्गेनिक केमिकल होता है. केमिकल नहीं, ये एक मटेरियल होता है जो कि बनता है प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से, उनके वेस्ट की डिकम्पोजिशन की वजह से. कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप्स मेक द क्रॉप पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. सो फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू मेक द सॉइल फर्टाइल. सो अगर जैसे कि अगर एक फील्ड है सो अगर हम उसी फील्ड में बार बार क्रॉप्स उगाएं, मतलब वन बाय वन क्रॉप्स उगाते रहें, तो इससे क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है, मतलब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं. सो इसीलिए फार्मर्स को सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए मैन्योर ऐड करना पड़ता है. द प्रोसेस कॉल्ड मैन्योरिंग. सो मैन्योरिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग. सो वो प्रोसेस जिसमें हम एक सॉइल में मैन्योर ऐड करते हैं उसे बोलते हैं मैन्योरिंग. सो मैन्योर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जो कि हमें कैसे मिलता है, प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन के वजह से. अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम क्यों ऐड करते हैं मैन्योर. तो इसका रीज़न ये है कि जो कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, कि अगर हम एक फील्ड में बार बार क्रॉप्स उगाएं, उससे जो फील्ड की जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है. सो उसी कमी को एनरिच करने के लिए, उसे हटाने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें मैन्योर ऐड करते हैं. सो मैन्योर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. इससे क्या होता है, जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जैसे कि वो ज़्यादा वाटर होल्ड करने लगती है. इट मेक द सॉइल पोरस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी. ये सॉइल को पोरस बना देती है, मतलब सॉइल्स में कुछ पोर्स से, पोरस मतलब होता है कि जो जिसमें जो गैसेज है वो इजिली पास हो सके. सो जो मैन्योर होता है वो सॉइल को पोरस बना देता है, जिससे कि क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज ईजी बन जाता है. इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म. सो मैन्योर के वजह से फ्रेंडली माइक्रोब्स और अर्थवर्म बढ़ जाते हैं, और इससे क्या होता है, सॉइल फर्टाइल बन जाती है. फोर एडवांटेज है, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. ये सॉइल के टेक्सचर इम्प्रूव कर देता है. सो ये फोर एडवांटेजेस हैं जो कि पेपर में यूजुअली आते हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा. ये मैन्योर के कुछ एडवांटेजेस हैं, पहला वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, दूसरा वो सॉइल को पोर्स बना देता है, तीसरा वो नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब और अर्थवर्म इंक्रीज कर देता है, जिससे कि सॉइल फर्टाइल बनती है, और चौथा कि सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव कर देता है. सो नेक्स्ट है वो फर्टिलाइजर्स है. तो मैन्योर फर्टिलाइजर्स हम ऐड करते हैं, तो मैन्योर हमने पढ़ लिया.
अब हम पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड केमिकल विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. सो मैन्यूट क्या करते हैं, सॉरी फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स ये मैन मेड केमिकल्स होते हैं या फिर इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो कि रिच होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में. ये सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं. एग्जांपल्स क्या हैं फर्टिलाइजर्स के, यूरिया, अमोनियम, सल्फेट एक्सेट्रा. सो ये एग्जांपल्स हैं फर्टिलाइजर्स के. एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल लेस फर्टाइल एंड ऑल्सो कॉजेज वाटर पॉल्यूशन. सो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं अगर हम उनका एक्सेसिव यूज़ करें, उन्हें ज़्यादा यूज़ करें, तो इससे क्या होता है, वो जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल बन जाती है और इससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है. सो ये डिसएडवांटेजेस हैं फर्टिलाइजर्स के, यही पेपर में आते हैं यूजुअली. तो दो डिसएडवांटेजेस हैं, पहला सॉइल लेस फर्टाइल बन जाती है और दूसरा डिसएडवांटेज है जो सॉइल किससे वाटर पॉल्यूशन होता है. सो अब मैन्यूअल फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या होता है, दोनों का काम सॉइल को फर्टाइल बनाना होता है, तो डिफरेंस क्या होता है मैन्यूअल फर्टिलाइजर में, वो हम पढ़ने वाले हैं. सो फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट. सो फर्टिलाइजर एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है. इनऑर्गेनिक मतलब जो हमें प्लांट और एनिमल से ना मिले, और मैन्यूअल एक ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है. सो मैन्यूअल इज एन नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज. सो मैन्यूर क्या होता है, मैन्यूर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि हमें मिलता है प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से. फर्टिलाइजर्स बनता है फैक्ट्रीज में और मैन्योर फील्ड्स में, मतलब जो फील्ड्स होती है उसमें एक पिट में एनिमल और प्लांट वेस्ट डालते हैं, उस फिर कुछ वीक्स बाद वहाँ पे मैन्योर बन जाता है. थर्ड डिफरेंस है फर्टिलाइजर्स कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को, और ह्यूमस बहुत जरूरी होता है सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए. और फर्टिलाइजर्स ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, और मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को. फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम. मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स. हमने वही पढ़ा था कि हमने यहाँ भी पढ़ा था कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होते हैं, मतलब इनमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है. सो वही है कि जो फर्टिलाइजर्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, और वैसे ही मैन्योर में थोड़े कम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. क्रॉप रोटेशन. सो ये अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इट इज़ द मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. सो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ये मेथड होता है सॉइल को न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिश करने का, मतलब एनरिच करने का, जिससे कि एक सॉइल में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आए, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन. ये एक मेथड होता है सॉइल को, सॉइल में न्यूट्रिएंट एनरिच करने का. तो इसमें करते क्या है, सो इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिसिमिलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप विच रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट अल्टरनेटिवली. दिस कैन बी डन by growing a nutrient using plant like corn in one season and nutrient depositing plant like leguminous plant, pea, soybean in another season. So करते क्या crop rotation में, so जैसे कि एक कोई field है, अब field में हम one season में, यानी कि एक तरह से हम एक बार उसमें एक ऐसा plant उगाए जो कि nutrient ले, जैसे कि corn. तो कॉर्न क्या करता है, न्यूट्रिएंट लेता है सॉइल से. सो हमने उगा दिया कॉर्न, तो अब सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो गई. सो अब अगले सीजन में हम क्या करेंगे, हम न्यूट्रिएंट गिविंग प्लांट ग्रो कर देंगे, जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि एग्जांपल पी, सोयाबीन, ये एग्जांपल है लेग्यूमिनस क्रॉप के. सो अगले सीजन में हम लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करते हैं. लेग्यूमिनस क्रॉप का फ़ायदा क्या होता है कि ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं. सो फर्स्ट सीजन में क्या हुआ, हमने कॉर्न उगाया जिससे कि सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए गए, और अगले सीजन में हम लेग्यूमिनस क्रॉप उगाए जिससे कि सारे न्यूट्रिएंट वापस आ गए. फिर अगले सीजन दोबारा हम कॉर्न उगाए, ऐसे कर करके अल्टरनेटिवली हम अलग अलग प्लांट्स उगाए अलग अलग सीजन्स में. सो इससे क्या होगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएंगे और चले भी जाएंगे, मतलब एक बैलेंस रहेगा. अगर हम बार बार एक ही क्रॉप उगाए, जैसे हम बार बार हमने कॉर्न ही उगाया, सो इससे क्या होगा,
न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे और सॉइल जो होगी, सॉइल जो होगी वो बहुत कम फर्टाइल बन जाएगी। अब लेग्यूमिनस क्रॉप जो होती है, यहाँ उनकी डेफिनेशन भी दी हुई है, लेग्यूमिनस क्रॉप हैव राइजोबियम बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स विच मेक द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन। सो क्या होता है, जो लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं उनकी रूट्स नोड्यूल्स में एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। अब राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो फायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि सॉइल में वो नाइट्रोजन ऐड करता है। जहाँ जहाँ भी लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं उनकी जो सॉइल होती है उनमें बहुत नाइट्रोजन होता है। सो यही हमें यहाँ भी करना है, हमें एक सीज़न में नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट यूजिंग प्लांट उगाना है और दूसरे सीज़न में न्यूट्रिएंट डिपॉजिटिंग प्लांट उगाना है। तो इससे एक बैलेंस रहता है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का। सो नेक्स्ट प्रोसेस है, जैसे कि सारे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इसकी, यहाँ पे हमने प्रिपरेशन सॉइल पढ़ लिया, हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया, सोयम भी पढ़ लिया, एडिंग मैंने फर्टिलाइजर भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है इरीगेशन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इरीगेशन के बारे में कि इरीगेशन होता क्या है, टूल्स क्या होते हैं इरीगेशन के, वो हम देखने वाले हैं इरीगेशन। सो इरीगेशन होता क्या है, द सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। इरीगेशन क्या होता है, जैसे कि कोई क्रॉप है उसको वाटर प्रोवाइड करना को हम इरीगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सीजन टू सीजन, सॉइल टू सॉइल। सो जो इरीगेशन सबसे पहले होता क्या है, द सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब जो सॉइल है या जो क्रॉप है उसे वाटर प्रोवाइड करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरीगेशन। अब जो प्रोसेस है इरीगेशन का उसे हमें रेगुलर इंटरवल पे करना होता है। अब जो रेगुलर इंटरवल है ये क्रॉप टू क्रॉप अलग अलग, जैसे कि हमें अलग अलग, जैसे कि अलग अलग क्रॉप्स हैं तो उन्हें अलग अलग इंटरवल पे पानी देना होगा। किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए, सीजन टू सीजन भी मैटर करते, जैसे कि समर सीजन में ज़्यादा पानी देना पड़ता है और विंटर सीजन में हमें कम पानी देना पड़ता है। और सॉइल टू सॉइल भी ये मैटर करता है कि हमें कितना पानी देना है या फिर किस इंटरवल पे देना है। सो सोर्सेस क्या हैं इरीगेशन के, हमें जो वाटर प्रोवाइड करते हैं उसके सोर्सेस क्या हैं, तो जो मेन सोर्सेस है वो हैं वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स। सो ये सोर्सेज हैं इरीगेशन के, मतलब इन सब जगहों से हम वाटर सॉइल को इरीगेट कर सकते हैं। सो मेथड क्या है इरीगेशन की, मेथड नहीं मॉडर्न मेथड्स क्या हैं, हम जो आज के मेथड्स क्या हैं। सो दो मॉडर्न मेथड्स हैं, पहला स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा ड्रिप इरीगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन फील्ड, सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द टॉप मेन और टॉप मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल, व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। सो इस डायग्राम समझते हैं कि इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। सो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या करते हैं, बेसिकली ये होता है मोटर, यहाँ पर यह है मोटर है। सो अब इस वेल से वाटर आ रहा है और इस मोटर से वो इस पाइप में जा रहा है। सो पाइप में जाने के बाद क्या होता है, जो पाइप से वो बहुत सारे सिस्टम से कनेक्टेड है, ये परपेंडिकुलर सिस्टम से ये इससे भी कनेक्ट है। सो ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसके टॉप पे एक रोटेटिंग नोजल होता है ऐसा, और यहाँ पे ऐसे एक रोटेटिंग नोजल होता है ऐसा। सो ये रोटेट करते रहता है, ये ऐसे रोटेट करते रहता है, यहाँ से ऐसे ये रोटेट करते रहेगा। सो जो वाटर है वो ऐसे आएगा और यहाँ से जब वाटर यहाँ से एस्केप करेगा वैसे स्प्रिंकल हो जाएगा हर जगह, यहाँ जैसे कि रेनिंग होती है, रेन होता है ना वैसे ही। सो वैसे यहाँ भी होगा, वाटर आएगा और यहाँ पे ऐसे स्प्रिंकल हो जाएगा। सो ये होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, आई होप ये क्लियर होगा आपको। सो नेक्स्ट है वो है ड्रिप इरीगेशन, और ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरीगेशन ये दोनों ही बहुत यूजफुल होते हैं जहाँ पे वाटर उतना सफिशियंट वाटर ना हो, इस तरह से वाटर सेव करते हैं। ड्रिप इरीगेशन, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द रूट ऑफ द प्लांट, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप इरीगेशन। इट इज बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग फूड प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज, द सिस्टम प्रोवाइड वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। सो ड्रिप इरीगेशन में डायग्राम से समझते हैं, तो होता क्या है, जैसे कि इस डायग्राम में होता क्या है, जैसे कि ये यहाँ से वेल से पानी आ रहा है, मोटर में जा रहा है,
अब मोटर से रूट्स जो ये प्लांट ये क्रॉप है इनके जस्ट रूट के पास ही इनकी एस्केप होती है वाटर की, जैसे यहाँ यहाँ पे। सो जो वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हर वाटर की रूट में जाता है। सो वाटर बिल्कुल वेस्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट उनकी रूट में जा रहा है। सो इस टेक्निक से भी बहुत सारा वाटर सेव होता है। ये बेस्ट टेक्निक होती है प्लांट को वाटर करने की, क्योंकि जो वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट रूट पे ही पड़ता है। सो आई होप ये भी क्लियर होगा आपको ड्रिप इरीगेशन क्या होता है। सो इस सिस्टम में क्या करते हैं, जो वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हर, जैसे कि यहाँ पे यहाँ से गिरेगा यहाँ से, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरते रहता है। सो इससे क्या होता है, वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। और स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरीगेशन दोनों के एडवांटेजेस ये हैं कि दोनों में बहुत ज़्यादा वाटर बचता है। सो इस इनके इनकी डेफिनेशंस भी आती हैं पेपर में, ये भी याद कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स डैट ग्रो अलोंग द मेन क्रॉप, एग्जाम्पल क्लोवर, परसलेन एक्सेट्रा। सो वीड्स क्या होता है, जैसे कि हमारी कोई मेन क्रॉप होती है, सो मेन क्रॉप के साथ कभी कभी कुछ अनवांटेड क्रॉप उग जाती है, जैसे कि ग्रास, ये सब उग जाती हैं मेन क्रॉप के साथ, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स भी हैं वीड्स के, वो हैं क्लोवर और पलसेन। सो अब ये जो वीड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं क्रॉप के लिए। सो हार्मफुल क्यों होते हैं ये भी हम आगे देखने वाले हैं। अभी पहले देख लें हार्मफुल क्यों होते हैं ये। इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव क्रॉप एज दे फाइट द मेन क्रॉप फॉर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट एंड स्पेस। सो होता क्या है कि जो वीड्स होते हैं वो जो मेन क्रॉप है हमारी उससे कम्पीट करने लगते हैं, फाइट करने लगते हैं उससे, क्यों करते हैं, मिनरल्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए। सो इससे क्या होता है, हमारी मेन क्रॉप होती है वो उतनी अच्छी उग नहीं पाती है, इसलिए वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या होता है, जो प्लांट की जो ग्रोथ भी रुकती है। और दूसरा रीज़न क्या है कि जो कुछ वीड्स क्या होती है, पॉइनस होती हैं, इसलिए इन्हें रिमूव करना और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें रिमूव क्यों करना है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिमूव करने के कहते हैं वीडिंग। अब कुछ वेस्ट भी देखने वाले हैं रिमूव करने के, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वीडिंग, ये पेपर में जनरली आता है। और ये भी आता है कि हम क्यों रिमूव करते हैं, तो उसके दो रीज़न है। फर्स्ट, वो स्पेस, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, इन सब के लिए फाइट करते हैं मेन क्रॉप से, और इससे मेन क्रॉप की ग्रोथ अफेक्ट होती है। दूसरा रीज़न, कुछ वीड्स पॉइजनस होते हैं इसलिए उन्हें हटाना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बेस्ट टाइम क्या है वीड हटाने का, क्योंकि वीड इनिशियल स्टेज में तो होते नहीं है, जब क्रॉप उगती है उस टाइम पे वो वीड्स भी उगते हैं। जैसे कि जब हम इरिगेशन करते हैं इस टाइम पर इरिगेशन का प्रोसेस होता है, या फिर जब हम सबको प्रिपेयर करते हैं उस टाइम तो वीड्स होते नहीं है। सो बेस्ट टाइम क्या है वीड्स रिमूव करने का, वो हम देखने वाले। जो बेस्ट टाइम है वो तब है जब वो प्लांट, जब वो क्रॉप फ्लावर या फिर सीड्स प्रोड्यूस करने वाला होता है। सो बेस्ट टाइम भी बहुत पेपर में आते हैं, तो जो बेस्ट टाइम है वो है जब वो फ्लावरिंग स्टेज में है, जब वो फ्लावर एसिड उसमें आए हैं, जब उसमें जस्ट फ्लावर एसिड आए हैं, तो वो बेस्ट टाइम होता है वीडिंग करने का। और वीडिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स। सो हमने देख लिया कि हमें हटाना क्यों है, सब देख लिया कि हम कैसे हटाएंगे। अब हमने देख लिया हटाना कैसे है और कब हटाना है, अब कैसे हटाएंगे ये भी हम देखने वाले हैं। तो प्लोइंग ऑफ सॉइल बिफोर सोइल हेल्प इन रिमूविंग ऑफ वीड्स। सो सॉइल को जब हम सीड डालते हैं उससे पहले उसकी प्लो करने का, उसको क्लीन करने का, ये एक बहुत यूज़फुल होता है, उसे रिमूव कर बहुत हेल्पफुल होता है ये वीड्स को रिमूव करने में। वीड्स को हम मैनुअली भी रिमूव कर सकते हैं, और या फिर हैंड से कर सकते हैं यूजिंग अ खुरपी। खुरपी एक टूल होता है, या फिर एक जो बहुत विलेजेस में पाया जाता है, आपने देखा होगा खुरपी, वो कुछ ऐसा जो खुरपी है वो ऐसा होता है, यहाँ से ऐसा, और ये यूज़फुल होता है उसे रिमूव करने के लिए, वीड्स रिमूव करने के लिए। हम खुरपी मैनुअल, जब हम मैनुअली बस जब हम हाथों से वीड्स रिमूव करते हैं तो हम किससे करते हैं, खुरपी से करते हैं। सो अब नेक्स्ट है कि हम खुरपी के अलावा वीडिसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं। वीडिसाइड्स आर इट कैन ऑल्सो बी रिमूव बाई यूजिंग वीडिसाइड लाइक 2,4-D। सो वीडिसाइड्स क्या होते हैं, वीडिसाइड्स आर द केमिकल दैट आर यूज्ड टू रिमूव वीड्स। वीडिसाइड्स वो केमिकल होते हैं जो कि वीड्स रिमूव करने में हेल्प करते हैं।
सो हम वीड्स को वीडिसाइड से की हेल्प से भी रिमूव कर सकते हैं। वीडिसाइड की कुछ एग्जांपल जैसे कि 2,4-D, ये एग्जांपल, ये एक ही नाम है 2,4-D, तो एक ये एग्जांपल है वीडिसाइड्स का। ओके सो द वेज क्या है, पहला ब्लो करना, दूसरा बाय हैंड, तीसरा बाय यूजिंग वीडिसाइड्स, और तीसरा और चौथा बस तीन ही है, तीन वेज हैं वीड्स को रिमूव करने का। बेस्ट टाइम क्या होता है वीड्स रिमूव करने का, व्हेन दे आर इन फ्लावरिंग स्टेज, जब वो फ्लावर या फिर सीड प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। हार्वेस्टिंग, अब हार्वेस्टिंग क्या होता है, सो हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट हैज ग्रोन। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट हैज ग्रोन। सो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, जैसे कि हमने क्रॉप उगा ली पूरी, वो पूरी उग गई है, सो इसके बाद उसको कट करना, जो क्रॉप है उसको कट करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, उस प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग। सो इसके बाद इट कैन ईदर बी डन मैनुअली यूजिंग अ खुरपी और बाय मशीन्स कॉल हार्वेस्टर्स। सो हम हार्वेस्टिंग है तो मैनुअली कर सकते हैं हाथ से यूजिंग अ खुरपी, और या फिर हम मशीन से भी यूज कर सकते हैं, और उन मशीन को बोलते हैं हार्वेस्टर्स। और हार्वेस्टर्स क्या होते हैं, हार्वेस्टर्स वो मशीन्स होती हैं जो कि यूज़ होती हैं हार्वेस्टिंग के लिए। सो हार्वेस्टर्स क्या होती हैं, वो मशीन्स होती हैं, और या तो दो तरीके हैं हार्वेस्टिंग करने के, पहला मैनुअली यूजिंग अ खुरपी और दूसरा यूजिंग अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। इसके बाद आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप द ग्रेन्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। सो हमने जो क्रॉप है ग्रेन है उसको निकाल लिया, अब इसके जो क्रॉप है उसको उसमें जैसे कि क्रॉप है हमारी, सो इसमें जो जैसे कि वीट क्रॉप है तो उसमें यहाँ पे टॉप पे वीट क्रॉप होती है, सो क्या करना है हमें, जैसे वीट क्रॉप है हमें, सो हमें क्या करना होगा, जो वीट है इसको कहते हैं शाफ, तो हमको जो वीट क्रॉप है जो ग्रेन है इसको हमें इस शाफ से रिमूव करना होगा, और उस प्रोसेस को जो से रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज डन बाय मशीन कॉल्ड कंबाइन, और थ्रेशिंग को किससे कैसे करते हैं, बाय मशीन कॉल्ड कंबाइन। कंबाइन हम एक मशीन होती है जिसे हम यूज करते हैं थ्रेशिंग करने के लिए, और सम पीपल ऑल्सो यूज द प्रोसेस ऑफ विनोइंग इंस्टेड ऑफ थ्रेशिंग, और कुछ पीपल्स होते हैं जिनकी बहुत स्मॉल लैंडिंग होती है, बहुत स्मॉल लैंड होता है उनके पास, वो थ्रेशिंग की जगह क्या यूज़ करते हैं, विनोइंग। सो हार्वेस्टिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट हैज ग्रोन, कैसे कर सकते हैं, मैनुअली यूजिंग अ खुरपी और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, और फिर इसके बाद हार्वेस्टिंग करने के बाद जो ग्रेन है उसको शाफ से कैसे रिमूव करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग, ये कैसे होता है, बाय द मशीन कॉल्ड कंबाइन या फिर बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। ठीक है, अब जैसे कि हमने पूरी क्रॉप उगा ली, इसके बाद जो लास्ट प्रोसेस है, अब जो मेन प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्टोरेज। जैसे अब तो स्टोरेज क्या होता है, जैसे कि अब पूरी क्रॉप उगा ली हमने, इसके बाद उसको हमें स्टोर करना पड़ता है कहीं पे, वरना जो हमने पूरी मेहनत करी है उसे उगाने में वो वेस्ट हो जाती है। सो आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी टू स्टोर सेफली फ्रॉम मॉइस्चर इंसेक्ट्स रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि क्रॉप उग गई, अच्छे से उग गई है, अब इसके बाद हमने उसे हार्वेस्ट भी कर लिया, उसे कट भी कर लिया, इसके बाद उसको हमें अच्छे से स्टोर करना जरूरी है, और हमें क्यों स्टोर करना है, टू कीप देम सेफ फ्रॉम मॉइस्चर इंसेक्ट्स रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमें उसे किस किस से सेफ रखना है, मॉइस्चर से रखना है, इंसेक्ट से, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हार्वेस्टेड क्रॉप नीड टू बी ड्राइड बिफोर स्टोरेज, दिस प्रिवेंट द अटैक ऑफ पेस्ट्स बैक्टीरिया एंड फंगी। सो हार्वेस्ट करने के बाद हमें उस क्रॉप को ड्राई करना पड़ेगा, मतलब उसे हमें सन की हीट में रखना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों करना होगा स्टोरेज से पहले, कि ड्राई करने से उसमें पेस्ट बैक्टीरिया और फंगाई उसमें अटैक नहीं करते हैं ये तीनों, और वो मॉइस्चर से भी बची रहती है ड्राई करने से। सो अगला, फार्मर स्टोर्स ग्रेन इन जूट बैग, हाउएवर
large-scale storage of grain is done in silos or granaries to protect it from insects. तो जो फार्मर्स होते हैं वो मेनली जो फूड स्टोर करते हैं वो करते हैं जूट बैग में, पर लार्ज स्केल स्टोरेज ग्रीन जब बहुत लार्ज स्टोरेज हो उसे हम ग्रीन या फिर सिलोज में भी करते हैं, ग्रीनरीज या फिर सिलोज में हम उन्हें करते हैं. सो ये है वो ग्रीनरीज और ये है सिलोज. सो जब लार्ज स्केल जब हमें बहुत सारे हमें ग्रेन्स को स्टोर करना हो तो हम ग्रीनरीज और सिलोज में भी करते हैं. तो स्टोरेज क्या होता है, क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद स्टोर करना होता है. अब स्टोर क्यों करना होता है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म. और हार्वेस्ट करने के बाद उन्हें ड्राई करना होता है. क्यों करना होता है, बिकॉज इट प्रिवेंट द अटैक ऑफ पेस्ट, बैक्टीरिया, फंगाई एंड मॉइस्चर. और जो फार्मर्स होते हैं वो जनरली जूट बैग यूज़ करते हैं, पर लार्ज स्केल स्टोरेज के लिए हम ग्रीनरीज और सिलोज भी यूज़ करते हैं. और ड्राइड नीम लीव्स आर ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम एट इट एज अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड सब्सटेंस यूज टू प्रिवेंटिंग इंसेक्ट्स. सो जो अगर हमें घर में हमें कोई फूड ग्रीन स्टोर करना है तो उसके लिए हम ड्राइड नीम लीव्स भी यूज़ करते हैं. अब ड्राइड नीम लीव हम यूज़ करते हैं क्योंकि जो ड्राइड नीम लीफ होता है वो एक्ट करता है एज अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड. अब नेचुरल इंसेक्टिसाइड क्या होता है, इंसेक्टिसाइड वो होते हैं जो कि यूज़ होते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंसेक्ट्स. सो हमें इंसेक्टिसाइड यूज़ करना पड़ता, इंसेक्टिसाइड वो मटेरियल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को प्रिवेंट करते हैं, और नीम एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, मतलब वो इंसेक्ट को प्रिवेंट करता है. और जब भी हमें घर में ग्रीन स्टोर करने होते हैं हमें नीम लीफ यूज़ करनी चाहिए. सो नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री. व्हेन द एनिमल्स आर रियर्ड, प्रोवाइडेड फूड, शेल्टर एंड केयर इन लार्ज स्केल फॉर मीट, मिल्क, फाइबर, एग एंड अदर प्रोडक्ट आर इसको एनिमल हस्बेंड्री. सो जब हम एनिमल्स को घर में रियर करें, उन्हें फूड दें, शेल्टर दें, उनकी केयर करें, और ये छोटे मोटे एनिमल बहुत कम एनिमल्स नहीं, जब हम ये लार्ज स्केल में करें, ओके, जब हम ये लार्ज स्केल में करें, जब हम एनिमल को रियर करें, फूड दें उन्हें, शेल्टर दें और उनकी केयर करें इन लार्ज स्केल, और ऐसे हम क्यों उसे क्या कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री. ऐसा करते क्यों हैं हम, वी डू दिस फॉर मीट, मिल्क, फाइबर, एग्स एंड अदर प्रोडक्ट्स. सो अदर प्रोडक्ट में बहुत सारे फाइबर्स, जूट्स, बहुत चीज आती है. सो जब हम एनिमल को रियर करते हैं, उन्हें फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, उनकी केयर करते हैं लार्ज स्केल में फॉर मीट, मिल्क, फाइबर, एग्स एंड अदर प्रोडक्ट, उसे क्या कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री. यहाँ पे ओके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना. और अगर आपको इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स, टेस्ट चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इस वीडियो की पार्ट टू भी आप देख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.